किसान आंदोलन को समर्थन देकर पंजाब चुनाव में फायदा उठाने वाली आम आदमी पार्टी को अब इन्हीं किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के किसानों ने सीएम भगवत मान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने मोहाली से चंडीगढ़ की ओर जाना शुरू कर दिया है। सभी किसान पैदल ही राज्य की राजधानी चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों ने ऐलान किया है कि उन्हें जहां भी रोका जाएगा वहीं दिल्ली की तर्ज पर पक्का मोर्चा लगाएंगे। किसान अपने साथ राशन भी साथ लेकर चल रही है। इस ऐलान के बाद आप सरकार हरकत में आई है और चंडीगढ़ पुलिस को अलर्ट पर रहने को कहा है। किसानों की चंडीगढ़ कूच से आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से घबरा गई है और मोहाली से सटा चंडीगढ़ बॉर्डर को सील कर दिया है और मोहाली और चंडीगढ़ पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया है। दरअसल किसानों के द्वारा पक्का मोर्चा लगाए जाने से आम आदमी पार्टी की सरकार की परेशानी बढ़ गई है। बहुत ही आनन फानन में मुख्यमंत्री भगवत मान ने अफसरों को किसानों से मिलने को कहा है। प्रशासन और पुलिस किसानों से बातचीत की है मगर कोई हल नहीं निकला है। किसान मुख्यमंत्री भगवत मान से मिलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की मान सरकार ने पहले किसानों से मिलने का निमंत्रण दिया था लेकिन अब वह बैठक रद्द हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री मान पर उनकी मांगे न मानने का आरोप लगाया है। किसानों ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवत मान ने उनकी जायज मांगे नहीं मानी हैं, इसलिए अब किसान आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ कड़ा संघर्ष शुरू करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब में बिजली संकट को लेकर मान सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा था कि सभी किसान धान की रोपाई एक साथ न करें। किसानों को धान की रोपाई करने के लिए एक तारीख निर्धारित की है। इसके लिए मान सरकार ने पंजाब को 4 जोन में बांट दिया है और कहा है बांटे गए इस जोन के तहत ही किसान रोपाई करें। सरकार के इस फैसले से किसान नाखुश हो गए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों ने कहा है तय वक्त पर ही सभी जगह धान की रोपाई होगी। किसानों के लिए बिजली मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। बिजली के अलावा किसान सरकार से गेहूं पर प्रति एकड़ 500 रुपये की मुआवजा की मांग कर रहे हैं। किसान नेता हरिंदर लखोवाल ने कहा कि एक महीने पहले हमारी सीएम भगवत मान से मुलाकात हुई थी। उन्होंने 10 दिन में मांगे मानने का भरोसा दिया था। इसके बाद न तो मांगे मानी गई और न ही मान ने मीटिंग के लिए दोबारा वक्त दिया। इसके बाद हमने 17 मई तक का अल्टीमेटम दिया था लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।